आपके मुसाफिर खाने के पैसे। ये रहा आपके गेस्ट हाउस का एडवांस किराया पानी और बिजली के बिल के साथ। अरे मधु, मैं तो उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ जिस दिन तुम सलमान के साथ हीरोइन बन के आओगी। हाय, अगर ऐसा हो गया ना फिर तो मजा आ जाएगा। अकल क्या हुआ ऐसे? और राहुल कहाँ है? क्या हुआ राहुल को? राहुल को किसी ने किडनैप कर लिया। मैंने आपसे कहा ना मेरी मदर से बात करवाइए, मतलब अभी इसी वक्त मेरी उनसे बात करवाइए। मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरी हो क्या? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरे राहुल ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना। तुम पहले जूस पी लो फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। राहुल मिल जाएगा। सोनाली, सोनाली चिन्ह, बातों के जवाब ना हो बेहतर है कि वो सवाल किए ही ना जाए। कब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि निहारिका तुम मेरी पत्नी हो? है ना सोनाली के पति? दरअसल आपकी आवाज बिल्कुल मेरे स्वर्गवासी पति जैसी है। पापा, 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 पापा कैश लाने गए हैं। सोनाली देखो बहुत जल्द हमारा राहुल हमारे पास होगा। तुम आराम करो, रिलैक्स प्लीज। हेलो, हाँ ठीक है। Thank you.
हूँ कि तुम होते कौन हो? अबॉर्शन कराने वाली? तुमने किससे पूछकर अबॉर्शन कराया है? हत्यारे, जल्लाद, इतना बड़ा पाप, ये पाप करते हुए शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई? की बनी हो तुम, तुम्हें तो भाभी कहते हो, भी शर्म आती है मुझे। नकारा, निकम्मा होने के कारण कितना भला बुरा कहा है तेरी बीवी ने। ये कोई सराय या धर्मशाला नहीं है, जहां पर तुम मुसाफिर खाने की तरह रात बिताने के चले आते हो और सुबह चले जाते हो। अगर इस मुसाफिर खाने में रहना है तो यहां पैसा देना पड़ेगा, वरना ये अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहां से। रिश्तों की मुसाफिर खाने के पैसे। ये रहा आपके गेस्ट हाउस का एडवांस किराया, पानी और बिजली के बिल के साथ। सुरेखा बेटा, मम्मी क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, बस घर का काम करते करते थक गई थी, ऐसी बैठी थी। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि घर का काम मत किया करो, फिर आप घर का काम क्यों करती हो? मैं नहीं करूंगी तो घर का काम करेगा कौन? मधु से कहो, कहाँ है मधु? वो तो अपने शूट पर गई होगी। जब वो शूट से वापस आ जाए ना तो उससे कहो कि वो घर का काम करे, कहीं की महारानी नहीं है वो। मैं घर में झगड़ा नहीं चाहती, और वैसे भी हमारी जिंदगी में बहुत दुख है। अब तेरे पापा भी नौकरी पे जाने लगे, बहुत अफसोस है मुझे। बहू बेटे ने तो एक बार भी नहीं पूछा कि पापा इस बुढ़ापे में नौकरी क्यों कर रहे हैं। वो अकेले ही जिंदगी का बोझ ढोए चले जा रहे हैं। काश बेटे को अपने कमजोर बाप का एहसास होता। उससे तो आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए, वो तो अपनी बीवी के पल्लू में जाकर बन गया है। बेटा, मैं तो भगवान से यही शिकायत करती हूँ कि राजेश की जगह तुझे हमारा बेटा क्यों नहीं बनाया। मम्मी, आप राजेश को अपना बेटा मत कहिए, उसने बेटा होने का कोई फर्ज नहीं निभाया है।
छोड़िए सब बातें, इस समय सिर्फ आपको आराम की जरूरत है। चलिए अपने रूम में चलकर आराम करिए। चलिए उठिए। इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। अब हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। बताओ कहां चलना है। पापा, आप ये बैग मुझे दे दीजिए। पापा, मैं अकेला जाऊंगा वहां पर। बेटा, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। पापा, मैं इसलिए तो कह रहा हूं, मुझे ये काम बहुत खतरे वाला लग रहा है और मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। प्लीज, वैसे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। पापा, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मैं बस अपने बच्चे को वापस लाना चाहता हूं। जब तक राहुल को सोनाली की गोद में लाकर नहीं डालूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है बेटा, तुम अकेले जाओ, लेकिन अपना मोबाइल ऑन रखना। अगर जरा सी भी तकलीफ हो तो मुझे फोन करना। जी पापा। चित्रा, हे भगवान, राहुल की रक्षा करना, रक्षा करना राहुल की। सब इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। एक इंसान के सोने में क्या प्रॉब्लम है? अरे गीतिका, और बेंगलोर की मीटिंग बहुत अच्छी रही और आई एम श्योर रिजल्ट भी अच्छे होगा। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है, तुम जल्दी से गर्मा गर्म खाना परोसो। रिया, तुम्हारे साथ कैसे अपने घर नहीं गई? नहीं, वो आज रात को ही नहीं। क्यों? अरे गीतिका, उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, 2 घंटे का रास्ता है कम से कम। ना इस वक्त ट्रेन मिलेगी ना बस, और बहुत देर हो चुकी है, टू डेंजरस, कल सवेरे चली जाएगी। बैंगलोर जाकर इस बार तुमने एक भी फोन नहीं किया। 2 दिन के लिए किया था, उसमें फोन क्या करूं? हाँ, लेकिन जब मैंने फोन किया था तो कॉल बैक तो कर सकते थे ना? तुमने फोन किया था? तुम मीटिंग में बिजी थे। क्यों, रिया ने तुम्हें मैसेज नहीं दिया? नहीं तो, रिया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। यस, मैम ने फोन किया था सर, बट काम का इतना प्रेशर था, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। सॉरी सर। हाँ गीतिका, वहां पर काम का बहुत प्रेशर था, भूल गई होगी। तुम प्लीज इतना सोचो, तुम जल्दी से खाना लगवा दो, मैं फ्रेश हूं। अपने आपको कि क्या हाल बना कर रखती है। देखो देखो राहुल, जल्दी तुम्हारे पास होगा। बेटी परेशान मत हो, विनय राहुल को लेकर आता ही होगा।
आज से ये है तेरा मुन्ना। ये सब तो निहारिका का उपकार है जिसने मुझे चांद सा बेटा दिया और माँ कहलवाने का अधिकार भी। सोनाली, मैं आपसे अपने आप पर अपनी सैलरी में से एक रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। मेरी सैलरी का एक एक पैसा आपसे सिर्फ मेरी औलाद के लिए खर्च होगा। सोनाली, हमारा राहुल आ गया। हमारा राहुल आ गया सोनाली। ये देखो बच्ची की खुशियां लौटा दी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पापा, एहसान तो आपने किया है मुझ पर। मेरे बच्चे के लिए आपने जो कुर्बानी दी है, पापा आपके वो पैसे वो कर्ज है मुझ पर। मैं 1 करोड़ रुपए आपको वापस लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा पापा। अरे 1 करोड़ रुपए बेटा क्या है, तुमने तो हमें अरबों खरबों की खुशियां लौटा दी। कुछ नहीं चाहिए बेटा मुझे, कुछ नहीं। और अगर मुझे चाहिए तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशियां चाहिए और कुछ नहीं। क्यों कह रही है? तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें बचा लिया। पैर फिसल गया था या फिर से चक्कर आ गया था? बैंगलोर में भी इसी तरह से चक्कर आता रहता होगा, है ना? कितिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। चलो खाना खाते हैं। एक्चुअली सर, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। फ्लाइट में मैंने सैंडविच खा लिया था। ऐसा ऐसे कैसे कर सकती हो? खाना तो खा लो। प्लीज सर, आप लोग खाइए, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसे क्यों बोल रही हो? खाना खा लो, तुम्हें दवाई भी लेनी है। तुम्हें चक्कर आया था ना? कितना किसी को भी ना इस तरह हर्ट नहीं करना चाहिए। कितना बुरा लगा उसे, खाना खाए बगैर चली गई यहां से।
हाँ, लेकिन मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। तुम्हारा मजाक बहुत ही बेहुदा और भद्दा था। हाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। भूख नहीं है मुझे। ये हमारा गेस्ट हाउस है और इस गेस्ट हाउस के मालिक की तबीयत अच्छी है या बुरी हमें से कोई मतलब नहीं। वो मलिक कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि जिस जाल में उलझ के वो औंधे मुंह गिरा है वो जाल मेरा बिछाया हुआ था, मेरा। लेकिन एक बात याद रखना, उसका नाम भी मलिक है, वो इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में आने वाला नहीं है।